नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लॉर्ड्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे यहाँ पर HSC के द्वारा जो 26/9/2021 को इवनिंग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम लिया गया था हरियाणा पुलिस कॉन्स्टेबल का, तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि आगे भी जो है एग्ज़ाम आने वाला है, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है उसे जोर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाले जो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में अभी विश्वकर्मा दिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो इसमें जो है यहाँ पर 100 क्वेश्चन जो आप पूछे गए हैं तो हम जो है उनको देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर हरियाणा के पर्यटन मंत्री, नेक्स्ट है हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इनमें से कौन है, बार हेरिटेज मेमोरियल स्टेडियम हरियाणा किस शहर में है, हिसार एयरपोर्ट का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है, और बम लहरी लोकगीत का संबंध किस देवता से है, खानपुर कला महिला विश्वविद्यालय है ये किस महापुरुष के नाम पर है, भगत फूल सिंह, हरियाणा के मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना किसके लिए शुरू की है, हरियाणा की कौन सी विधानसभा जहाँ पर पद रिक्त हैं, तो आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व जो है कहाँ से लिए गए हैं, लोकपाल सवाल सबसे पहले किसने दिया था, पंजाब और हरियाणा जो न्यायालय है उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश इनमें से कौन है, तो हाल ही में जय रविशंकर झा, जवाहर नवोदय विद्यालय यहाँ पर कहाँ पर है, हरियाणा के किस गांव का नाम सरस्वती नगर रखा गया है, हरियाणा के गुरुग्राम में माता शीतला का मंदिर है, तो हरियाणा में मनसा देवी का मंदिर, मनसा देवी जाइए पंचकुला में है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का आरंभ हरियाणा से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया तो इस अवसर पर किस अभिनेत्री ने स्टेज पर उपस्थिति दर्ज करवाई थी, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, इनमें से कौन आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है, गौशाला मिसमास, यहाँ पर जा कंप्यूटर से भी क्वेश्चन जा पूछे गए हैं, SYL जल विवाद जो है हरियाणा और पंजाब के बीच जो अब भी चल रहा है, तो ये जो कावेरी जल विवाद है कौन से दो राज्यों से संबंधित है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, तो ये जो क्वेश्चन हाल ही में आया हरियाणा से संबंध रखने वाली इनमें से दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के कुलपति, तो ये कर्णम मलेश्वरी बनी है यमुनानगर से इनका संबंध है, बीरबल का छत्ता, तो ये जो है यहाँ पर हरियाणा पुलिस का जो इवनिंग का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 100 क्वेश्चन जो यहाँ पर ये आए थे
और सभी क्वेश्चन जो यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि आगे भी जो आगे एग्ज़ाम है और उसमें भी इनमें से एक क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। तो और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जोर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने के लिए धन्यवाद।